ओके अभी हमने देखा था फैक्टर्स, फैक्टर्स के आगे अगली हेडिंग डालेंगे फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशंस अभी तक हमने देखा था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमने फैक्टर क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा था, ठीक। आइडेंटिटी देखी, आइडेंटिटी जो कि अपने को याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशंस कहलाता है। लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, या लिखना एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख देना फैक्टराइजेशन, लिखना द राइटन थिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग या द राइटिंग द प्रोसेस ऑफ राइट of thing, the process of the writing to product product of two or more factors of algebraic expression is called factorizations. यानी कि किसी भी अलजेब्रिक के फैक्टर्स को उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखने के जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन से। जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इस प्रोसेस को लिखने को ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। x माइनस वाई एक इसका फैक्टर है, x प्लस वाई इसका दूसरा फैक्टर है, ठीक है, नोट करेंगे, ठीक ओके। अगली हेडिंग डालेंगे पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का क्या मीनिंग होता है, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स यूज लिए हो एंड वेरिएबल्स की जो पावर या डिग्री की अगर बात करें, जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, हम वो बोलेंगे कि वो एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक पॉलीनोमियल कहलाएगा। लिखेंगे एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन any algebraic expression involved variables and the power of variables of variables variables is non-negative integer is called polynomial. यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें जो वेरिएबल्स यूज लिए हो एंड वेरिएबल्स की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव हो जाए तो
उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखें, 2x plus 5 की अगर बात करें, तो ये अपने पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x वेरिएबल्स भी यूज में हैं एंड x की अगर पावर की बात करें तो +1 है। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। 2/5 y² + 1/5 ठीक ओके x + 1। ये अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा है ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स x एंड y वेरिएबल्स यूज लिए हैं, x एंड y वेरिएबल्स यूज लिए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें x वेरिएबल्स एंड y वेरिएबल्स की अगर बात करें तो दोनों की जो पावर है यहाँ पे है +2 और या इसकी है +1। दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं तो हम बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है अपने पास। ठीक, ये भी ओके। मान लो अपने पास एक और एग्जांपल देखते हैं, √x + y + 1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ठीक ओके। √x + y + 1, √x का मतलब है कि x की पावर 1/2, तो यहाँ पे ये लिखा है x की पावर 1/2 प्लस y प्लस 1 ठीक। x की पावर 1/2 का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स x यूज किया है इसकी पावर है वो इंटीजर की बात करते हैं, ये इंटीजर नहीं है ठीक ओके। इंटीजर नहीं है और यहाँ पे y की पावर 1 है तो ये इंटीजर है, बट x की पावर है इंटीजर नहीं, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे ठीक। तो ये अपने पास पॉलिनोमियल नहीं है ठीक, नोट करेंगे ओके। अब अगली हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल से उसकी जो हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं, लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो लिखेंगे द हाईएस्ट पावर, लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी जो वेरिएबल्स की उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखेंगे, जैसे 2x + 5 या वेरिएबल्स की अगर बात करें तो x क्या है अपने पास वेरिएबल्स है ठीक। इसकी हाईएस्ट पावर की बात करें, हाईएस्ट पावर या पावर की बात करें तो 1 है। तो इसकी अगर इस ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसके डिग्री की बात करें, इस पॉलिनोमियल के डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 का बराबर हो जाएगी ओके। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो अपने पास दे रखा है 3y² + x + 1 ठीक। 3y² + x + 1 यहाँ पे वेरिएबल्स केवल x यूज हो रहा था, यहाँ x एंड y दोनों वेरिएबल्स आ गए, यानी कि ये इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हम यूज में ले रहे हैं x एंड y। तो दोनों की अगर बात करेंगे तो ये भी y भी वेरिएबल से, x भी वेरिएबल से। इसके अगर हाईएस्ट डिग्री की बात, सॉरी हाईएस्ट पावर की बात करें तो हाईएस्ट जो इसकी पावर होगी वो हो जाएगी 2, इसकी जो पावर है वो 2 है और इसकी जो पावर है वो है 1। x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हाईएस्ट पावर की अगर बात करें तो कितनी है,
टू है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री भी टू हो जाएगी। ठीक, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उन वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वही अपने पास डिग्री होती है। ठीक है, नोट करेंगे और एग्जांपल देखेंगे। ठीक, ये अपने पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक, जिसमें एक्स वेरिएबल्स यूज में लिया जा रहा है। तो अगर एक्स यूज में लिया जा रहा है तो इसके एक्स की हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, यहाँ फोर है, यहाँ टू है और यहाँ जीरो है। ठीक, यहाँ फोर है तो यही अपने पास हाईएस्ट पावर हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी, फोर है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी, अपने पास डिग्री हो जाएगी फोर। तो ये फोर डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसी तरीके से अपने को किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक, एक और देखें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक, ये भी एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स में एक्स वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। एक्स की अगर हाईएस्ट पावर की बात करें, यहाँ टू है या वन है, वहाँ पे जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर टू है, वन एंड जीरो, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, टू। तो इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर है वो है टू। ठीक, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री हो गई टू। इस तरीके से अपने को डिग्री पता चलना चाहिए। ठीक, ओके, जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल अलग अलग क्लासीफाई करके अलग अलग पढ़ा था, इसी तरीके से पॉलिनोमियल को भी उनकी डिग्री से अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल लिखेंगे, एनी पॉलिनोमियल विच हैव जीरो डिग्री, एनी पॉलिनोमियल विच हैव जीरो डिग्री। जीरो डिग्री, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, जैसे मान लो अपने पास कोई नंबर दे रखा है थ्री। ठीक, तो मैं थ्री को ऐसे लिख सकता हूँ, थ्री इंटू एक्स की पावर जीरो। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो वन होता है, नहीं पता था कहीं कोप्चे में लिख देंगे कि किसी भी नंबर की पावर अगर मैं जीरो है लगाता हूँ तो वो वन हो जाता है, चाहे कोई सा भी नंबर हो उसके अगर मैं पावर जीरो लगाऊंगा तो वो वन हो जाता है। ठीक है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, कॉन्स्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर अगर मैं जीरो लगाता हूँ तो वो वन हो जाएगा। ठीक, ओके, तो ये लिखा है थ्री इंटू एक्स की पावर जीरो। तो यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स है और उसकी पावर कितनी है, जीरो पावर का है, जीरो और यही पावर एक ही है, तो यही इसकी क्या हो गई, डिग्री हो जाएगी, जीरो डिग्री का है, डिग्री भी क्या है, जीरो। तो जीरो डिग्री के पॉलिनोमियल को हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं या जीरो डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इसको जीरो डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक, जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, दोनों बात एक ही है। ठीक, दूसरा लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ये नोट कर दिया होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल विच हैव वन डिग्री, एनी पॉलिनोमियल विच हैव वन डिग्री, यानी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए देखेंगे, सबसे अच्छा वन डिग्री के पॉलिनोमियल, वन डिग्री के पॉलिनोमियल देखें तो वन डिग्री, जैसे हमने देखा था टू एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे एक्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, तो इस टाइप
एक्स है वेरिएबल्स, इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये क्या है इसकी पावर है, और यही इसकी डिग्री भी है, तो इसकी डिग्री यानी कि 2x प्लस 5, अगर इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक, ओके, और देखते हैं एग्जांपल, जैसे अंडर रूट 5y माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अंडर रूट 5, रूट 5y माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, यहाँ पे x भी वेरिएबल्स हैं एंड y भी वेरिएबल्स हैं एंड 1 कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके 1 है, ठीक है, दोनों की 1-1 है, तो हम बोलेंगे पॉलीनोमियल है इन टू वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स देखो, यहाँ पे x भी वेरिएबल्स हैं, y भी वेरिएबल्स हैं, इसलिए बोलेंगे कि ये लीनियर हैं बट टू वेरिएबल्स में है, तो ये कैसा है, लीनियर पॉलीनोमियल। जैसे ये भी क्या है अपने पास, लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक, यहाँ पे भी 1-1 है, डिग्री भी 1 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल्स 1 है, इसलिए बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल्स, और यहाँ पे बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, तो जितने वेरिएबल्स यूज में लेते हैं उतने अपने को बताना होता है, बट ये आगे जाके तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स वगैरह। ठीक, तो अब अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यहाँ वेरिएबल्स एक्स यूज है, उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, यानी कोई भी पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर, जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर, 0 है तो कॉन्स्टेंट। ठीक, ओके, और एग्जांपल देखेंगे, माइनस एक्स प्लस 5y प्लस 11। ठीक, ये भी देखो x एंड y वेरिएबल्स हैं, इसकी अगर पावर की बात करें 1 है, इसकी भी 1 है, जिसकी नहीं होती उसकी 1 है। ठीक, ओके, तो 1 एंड 1 है, तो ये क्या है, 1 डिग्री पॉलीनोमियल है, तो 1 डिग्री पॉलीनोमियल, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक, ओके, नोट करेंगे। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी कि कोई भी पॉलीनोमियल जिस 2 डिग्री के पॉलीनोमियल को ही क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं, यानी कि 2 डिग्री पॉलीनोमियल। टू डिग्री के पॉलीनोमियल को ही क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देखा था एक, ठीक, जिसमें हमने बोला था कि अगर इसकी बात करें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, यही है हाईएस्ट पावर, तो यही हो जाएगी अपने पास डिग्री। ठीक, सेकेंड डिग्री का पॉलीनोमियल है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। पॉलीनोमियल, ठीक, ओके, और एग्जांपल देखते हैं, माइनस 2y² + 1। ठीक, -2y² + 1, -2y² + 1 की अगर बात करें तो ये y है और इसके हाईएस्ट पावर कितने, 2 है, तो ये क्या सेकेंड डिग्री का पॉलीनोमियल है, सेकेंड डिग्री के पॉलीनोमियल को ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो ये भी अपने पास हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक, ओके, नोट करेंगे। अगला लिखेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। लिखेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, यानी कि 3 डिग्री के जो पॉलीनोमियल होंगे उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, x³ + x²
प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये अपने पास एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें एक्स की हाईएस्ट जो पावर की बात करें या जो डिग्री की, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो ये थ्री डिग्री का है। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री डिग्री पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है थ्री, तो थ्री डिग्री के पॉलिनोमियल को ही बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, और एग्जांपल देखेंगे, एक्स वाई क्यूब माइनस वन, इसकी बात कर दो, इसमें वेरिएबल्स वाई यूज हो रहा है, इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ये कितने डिग्री का, थ्री डिग्री का है, तो ये भी कैसा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेके देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करें तो देखो एक्स की पावर भी थ्री है, वाई की पावर भी थ्री है, दोनों थ्री थ्री, यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, थ्री डिग्री का है, इसलिए इसको भी बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, नोट करेंगे। अगला लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्वाड्रेटिक देखा था, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, टू ही हो जाए, तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि फोर डिग्री के पॉलिनोमियल को ही बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें हमने बोला था इसकी डिग्री कितनी है, फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे देखेंगे एक्स की हाईएस्ट पावर फोर है, तो ये क्या फोर डिग्री के पॉलिनोमियल है, फोर डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक, ओके, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर प्लस वन, तो इसके हाईएस्ट पावर की बात करें तो है फोर, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, फोर, ओके, डिग्री फोर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, नोट करेंगे। ये नोट कर दिया होगा, तो अब एक नोट करके लिखेंगे, नोट में क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो डिग्री पॉलिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन सब के स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हो जाता है इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू के, मतलब के नॉर्मली एनी के, के इज द, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो है के, के है कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कोई फिक्स नंबरिकल वैल्यू होगी। ठीक, ओके, सेकंड बात, सेकंड लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक, ए एंड बी है कोई रियल नंबर है, ठीक, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो गया तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड एक्स हैं वो अपने पास वेरिएबल्स हैं, ए भी क्या है रियल है और कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक, तो इस टाइप की फॉर्म अगर कहीं दिख जाए तुम्हें तो वो है अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगला लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक जीरो हो गया तो देखो ये जीरो से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा, बी एक्स प्लस सी रहेगा। बी एक्स प्लस सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। एंड ए बी सी है यहाँ पे अपने पास रियल नंबर्स हैं और x है वो है वेरिएबल्स। ठीक, तो क्वाड्रेटिक वाला स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को पता होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर के फॉर्म का दे रखा है तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक, ओके, एग्जांपल लेके भी देखा था। ओके, सिमिलर अगर हम क्यूबिक की बात करें, अगला है क्यूबिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी सी एंड डी एनी रियल नंबर्स हैं एंड एक्स अपने पास वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी सी एंड डी आर एनी रियल नंबर एंड एक्स इज द वेरिएबल्स। ठीक, ओके, एंड लास्ट अपने को ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब और फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक, यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए एंड ए बी सी एंड ई ये सारे रियल नंबर होना चाहिए एंड एक्स हैं वो अपने पास वेरिएबल्स हैं। ठीक, ओके, तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म पता होने चाहिए अपने को, बट ये कहीं काम नहीं आएगा तुम्हारे सिक्स क्लास तक एंड एट सिक्स सेवन एट तक, बहुत रेयर केस में कभी काम आएगा तो आएगा। क्वाड्रेटिक तक पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। किसे कहते हैं टू डिग्री के पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक कहते हैं, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लीनियर वन डिग्री के पॉलिनोमियल को कहते हैं एंड कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल को ही कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ये सब अपने को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक, ओके, अब बताएं मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको फैक्टर में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसके अब हम फैक्टर में कैसे डिवाइड करेंगे, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे बड़ी सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व या सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले जनरल फॉर्म बोल दो या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने लिखी थी, वायलेट कर देता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, और हमने ये भी बोला था अभी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स। ओके, तो इसको अगर मान लो इसको सॉल्व करना है, इसको हम अगर फैक्टर बनाने हैं तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसके फैक्टर बताने हैं कि कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, सबसे पहले तीन आइडेंटिटी बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी हेल्प से ही हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में समझा रहा हूँ तुम्हें। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग होता है कि किसी नंबर का हम एकदम एग्जैक्ट स्कोरिंग में लिखना, जैसे 2 की पावर 2 इज द परफेक्ट स्क्वायर। सपोज एक्स प्लस वन, अपने पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक, इसको अगर मैं इसकी 2 लगा दूँ तो इसको बोलेंगे परफेक्ट स्कोर, किसी नंबर्स को एकदम परफेक्ट स्कोर में कन्वर्ट करना। ठीक, ओके, जनरल फॉर्म पता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ए को हमने कॉमन लिया तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक, ओके, एक आइडेंटिटी हमने, 3 आइडेंटिटी बताई थी और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो, एक बताई थी कि एक्स प्लस ए प्लस बी स्क्वायर बराबर, मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये लिखा है ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने पहले ही आइडेंटिटी बता दी कैसे आती है, ये भी बता दिया था। ठीक, ये लिखा पहले नंबर का स्कोरिंग प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्कोर। वापस सुनना, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्कोर इक्वल टू फर्स्ट का स्कोर प्लस 2 टाइम्स और फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्कोर। ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं इसको, एक एक्स है फर्स्ट नंबर का स्कोर इंटू फर्स्ट नंबर, तो हमें इसको बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक्स स्कोर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 होना चाहिए अपने पास। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या है, x फर्स्ट नंबर आ गया। अब क्या हो गया, ये हो गया b अपॉन 2a, 2 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, ओके, प्लस अब इसी यही सेकंड नंबर हो गया फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर का स्कोरिंग, तो सेकेंड नंबर है b प्लस 2 a का होल स्क्वायर। अगर मैं इस नंबर को ऐड करता हूँ तो इसको मुझे सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b माइनस अपॉन 2a का स्क्वायरिंग प्लस c बाई ए। ओके, ठीक, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये कम्प्लीटली ऐसे डिवाइड है। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये a इंटू ये हो गया x प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस दिस इंटू a, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी, सॉरी प्लस सी। ठीक, ओके, और इसको सॉल्व करेंगे, ओके, अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, ये सब नोट कर दिया होगा, ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ से हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब मैं कंप्लीट में से अगर मान लो a कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a माइनस बी 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो, इसको अंडर रूट ले लिया और उसका स्कोरिंग कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक, ओके, ये सब नोट कर दिया होगा। तो इसको यहाँ से और आगे सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा दी थर्ड वाली, एक्स स्क्वायर माइनस दिस माइनस दिस। ठीक, तो दिस माइनस दिस लगाएंगे तो ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एक बार प्लस एक बार माइनस और सेकेंड टाइम प्लस माइनस एंड प्लस, एक्स प्लस टू बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक, भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, हम ट्यूशन प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो बहुत आसान हो जाएंगे, और इतना याद नहीं रखना है। ठीक, याद क्या रखना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, याद क्या रखना है ये सब नोट करना है, याद नहीं रखना है, याद रखने वाली बात मैं अभी बता रहा हूँ, ये हटा दिया वो। हमें याद ये रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो फैक्टर आएंगे वो फैक्टर, अगर इस फैक्टर की बात करें तो मान लो कि उसके फैक्टर अपने को यहाँ से देखेंगे तो ये दिस एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, इसको सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक, तो इसको जो फाइनली जो अपने को याद रखना है वो ये याद रखना है, इतना सब याद रखने के बजाय देखो इसको मैंने पूरे को एक साथ सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये लिखा है एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक, अपॉन टू ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या एक्स प्लस बी माइनस बी माइनस वहाँ पे प्लस आ जाएगा फोर ए सी अपॉन टू ए, टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टू ए हो जाएगा और ये भी टू ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, वरना टू ए को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ए से ये भी कैंसिल आउट किया, रहने दो केवल इससे डिवाइड नहीं करेंगे, इतना सही रहने दो, इसके नीचे ही है। ओके, तो और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और यहाँ से ये टू ए और यहाँ से भी ये हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टू ए इंटू टू ए इक्व टू फोर ए स्क्वायर अपॉन ए, तो अपॉन में फोर ए आ जाएगा। ठीक, और ऊपर हो गया टू ए एक्स प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और यहाँ से हो गया टू ए एक्स प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, तो ये अपने को या तो ये याद रखना है या फिर डायरेक्ट एक फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला की हेल्प से हम सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो पहले ये सब कुछ नोट करो जो लिखवाया है, इसके आगे मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चंस की हेल्प से।